उसने सा आना। बाबा बाबा ये हमारे मोहसिन है, तुम तो अपनी बेटी को रात की तारीकी में बाहर छोड़ आए थे। कितने जालिम बाप हो तुम, जवान बेटी की इज्जत की कोई फिक्र नहीं तुम्हें, शराब से पीले बैठ गए। तुम कौन होते हो मेरे घर में दखल अंदाजी देने वाले? अपने काम से काम रखो या तुम मुझे अपने घर से इस तरह नहीं निकाल सकते। पापा तुम्हें दो दुश्मन की भी पहचान नहीं रही, मैंने कहा ना ये हमारे मोहसिन है। खराब, तुम मेरे घर में अपने यार। अगर मुझे तुम्हारी बुजुर्गी का ख्याल ना होता और मुझे ये गाली किसी और ने दी होती तो मैं उसे जान से मार डालता। जान से मारना इतना आसान नहीं है बाबू, हमें ऐसा ना समझो। जलाल साहब हमारे मेहरबानों में से है। उस शख्स को तुम इसलिए बड़ा समझते हो क्योंकि वो तुम्हारी बेटी की कीमत लगाना चाहता है। क्यों बेचते हो अपनी बेटी को, आखिर क्यों? और ये जलाल कौन है? मैं बता दूं जी, वो मुझसे मॉडलिंग करवाना चाहता है। मॉडलिंग? हाँ जी, असल में जलाल खूबसूरत लड़कियों का सौदागर है, वो मुझे भी स्क्रीन पे ला के दौलत कमाना चाहता है। लानत हो जी ऐसे दौलत पे और शोहरत पे। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। ऐसा ऐसा होगा जरूर होगा जरूर होगा। जबरदस्त धूम मच जाएगी। थैंक यू। लेकिन मैं एक बात से डरता हूं। डर किस बात का? मॉडलिंग में जो भी नया चेहरा मुतारफ करवाता हूं कामयाबी के बाद आंखें फेर लेता। मुझे तमन्ना मत समझो। एक तमन्ना ही नहीं, कई मॉडल गर्ल्स मुझे सीढ़ी बना के हीरोइने बन चुकी। पत्थर से हीरा हम तराशते हैं, अंगूठी में किसी और के सज जाते। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। बहरहाल हम तो नया टैलेंट क्रिएट करते, वो तमन्ना हो या मेहरा। मैं आपको मायूस नहीं करूंगी सर, रही बात मॉडलिंग की तो मॉडलिंग मेरा शौक है। और तुम्हारा शौक हमारी जरूरत है। हम हाजिर हैं। जबरदस्त, तुम जाए गाड़ी में ना। ओके। कैसी लगी? बहुत खुश है। मेहराब बेटी। अम्मा तुम बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? ओ बेटी, वो तुम्हारी माँ बीमार है। मेरा आइए सर, चलो। गुलाब दीन जी। नवाब साहब, तुमने तहसीलदार से बात की? जी हाँ, कहता था दौरे पर आ रहा हूँ। तुमने उसे बताया नहीं कि नवाब शाहपुर अहमद खान के काम सरकारी दौरों में नहीं हुआ करते? जी बताया था, नया नया आया है, समझ जाएगा। उसे समझाओ
और हाँ, कल उसे भेजो मेरे पास। बहुत बेहतर नवाब साहब। गुलाब दी जी। नवाब साहब, तुमने पीर मोहम्मद के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी कोशिश जारी है नवाब साहब, पर वो कमबख्त खुदा जाने कहाँ रूपोश है। नवाब साहब, इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। हाँ, कहो। पीर मोहम्मद मुझे अच्छा नहीं लगता। पसंद तो मुझे भी वो नहीं है, लेकिन एक बार फिर उसकी जरूरत पेश आ गई है। गुलाबदीन जी। नवाब साहब, तुम कायनात को मेरे पास भेजो। बहुत बेहतर नवाब साहब। अपनी पसंद नहीं मिलेगी। फरनामा, आपकी म्यूजिक की चॉइस बहुत अजीब किस्म की है। यार बेटा, मैं खुद भी अजीब और गरीब हूँ। आप अजीब तो हो सकते हैं मगर गरीब नहीं। नवाब शाहपुर अहमद खान का बेटा और कायनात का मामू, भला आप गरीब कैसे हो सकता है। मामा, आप इतने तन्हाई पसंद क्यों है। बेटा, तन्हाई मुझे अच्छी लगती है। कायनात, जाओ तुम्हें खान बाबा जाते हैं। खान मामा, आप हमेशा मेरी बातों का मुख्तसर सा जवाब देके मुझे टाल देते हैं। कायनात बेटा, तुम मेरी बातों को नहीं समझ सकती है। अम्मी जान, आप और मामू मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मैं अब बच ही नहीं रही। खान मामा, मैं फिर आऊंगी आपके पास। ये कायनात क्या कह रही थी। कायनात को मेरी तन्हाई पसंदी पर एतराज है। फैसलाना, मेरी बेटी इस हवेली में पली बड़ी है, लेकिन इसे मालूम नहीं है कि यहाँ क्या कुछ हुआ है, क्या हो रहा है। इसे पता भी नहीं होना चाहिए कि इस हवेली में हर किसी का माजी तला है। हर कोई अपने हिस्से का जहर पी रहा है। इसे इतना अपनी इस तलखी का एहसास होना ही है। हम बहन भाई नवाब शाहपुर अहमद खान के खानदान के राजदार हैं। तुम मां बनकर सास रहना और मैं कायनात का मामू होकर एक मुश्किल किताब की तरह बन पड़ा रहूंगा, जैसा कि इस मुश्किल अल्फाज का कोई मायने ही ना हो। मैं आपको सारे घर में ढूंढती फिर रही। हाँ, बुतों के साथ वक्त अच्छा गुजर जाता है। बुत तो बुत होते हैं, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ सुनते हैं। तुम नहीं समझती, बुत बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। मैं तुम्हें इनकी जबान समझाता हूं।
ये मुजस्मा चौथी सदी के निस से मुतालिक है। इसे देखो कायनात, ये अपने वक्त का बादशाह था, बल्कि खुदा माना जाता था। कितने सजदे किए होंगे इंसानों ने इसे। आज वो प्रस्तिश करने वाले नहीं रहे, मगर उनका खुदा आज भी अपनी अना की तरह अपने मकाम पर कायम है। खान बाबा, बुत में भी तो इंसान ही की अना की झलक नजर आती है। वो कैसे? क्योंकि ये भी इंसान ही की तखलीक है। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कायनात के मेरा मुजस्मा भी किसी मगरूर संगतराश के हाथों में है। अब तुम किसी मुजस्मा साज का जिक्र कर रही थी, कौन है वो? याद आया, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बहुत मगरूर है। टैलेंटेड बंदा होगा, गुरूर अपने काम में महारत रखने वालों का हक है। मुझे मगरूर लोग बहुत पसंद हैं। शाहसवार, तुमने तो कमाल कर दिए। नहीं नाना, मजा नहीं आ रहा। लो चाय पियो। ओ नाना, आप क्यों शर्मिंदा करते मुझे? अब बैठे प्लीज। नाना, आप मुझे कब तक बच्चों की तरह खिलाते पिलाते रहेंगे? बेटा, जब तक तुम्हारा नाना जिंदा है तुम फिक्र ना करो, ऐश करो ऐश। नहीं नाना, आज के बाद आप आराम करेंगे, मैं घर का काम भी करूंगा और बाहर का। हमारे इतने नसीब का कि तुम्हारे हाथ का कमाना और खाना, हाँ अलबत्ता किसी और के नसीब में हो सकता है। और कौन नाना? तुम्हारी बीवी। बीवी? खुश हो गए ना? पर शादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक तुम अपने पांव पर ना खड़े हो जाओ। नाना, क्या मैं लंगड़ा हूं? चलिए, अगर शादी के लिए यही शर्त है तो लीजिए, मैं खड़ा हो गया। वाह भाई, मुझे तो आज पता चला है कि तुम अपने पांव पर भी खड़े हो सकते हो। नाना जान, नवासा किसका हूं? हाथ करे, खुशामत ना कर, हाथ धो लो, काम अभी खत्म नहीं हो। नहीं नाना, मजा नहीं आता। अच्छी खासी शक्ल तो बन गई है, और क्या चाहिए? नाना, दिल को तसल्ली नहीं होती। नाना, जो शक्ल मेरे जहन में है वो बनती नहीं है। आखिर किसकी शक्ल है? मेरी माँ की। काश मेरी जगह आप होते तो माँ की शक्ल अच्छी बनती। मैं वो शक्ल बनाऊंगी कैसे जो मैंने देखी नहीं? नाना, आपने कभी? ओहो नाना, आप फिर संजीदा हो गए। देखिए, संजीदा होने से चेहरे की झुर्रियां गहरी हो जाती हैं और आप बूढ़े नजर आते हैं। वैसे नाना, आप इतने बूढ़े तो नहीं है ना? है ना? नहीं है ना? नहीं है ना? चले अब चाय पिए। नाना जान, खुश रहा करें।
बेटा जल्दी। साफ साफ बताओ सुल्तान शाह, तुम हवेली में क्यों नहीं आते? नवाब साहब वो मैं नवाब शाहपुर अहमद खान की हवेली में बैठकर झूठ बोलने की कोशिश मत करो सुल्तान शाह। सुल्तान शाह ने आपका नमक खाया है नवाब साहब। खाते तो कुत्ते भी हैं लेकिन कुत्ते और इंसान में बड़ा फर्क है। शायद इसीलिए यहां आने से कतराता हूं। तुम्हें यहां आने से किसी ने मना किया है? बोलो जवाब दो। क्या फैजू ने कुछ कहा है? फैजू खान को मेरा यहां आना पसंद नहीं नवाब साहब। नहीं नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तुम इस हवेली में आते रहोगे, ये हुक्म है मेरा। अब तुम जा सकते हो सुल्तान शाह। खानवाई फैजो तुम अच्छा नहीं कर रहे। तुम्हारा रवैया सुल्तान शाह के साथ ठीक नहीं है। फैजो अपनी हवेली की दीवारों की तरफ देखो, ये अंग्रेज इस धरती के दुश्मन थे, मगर दोस्ती के नाम पर इनकी तस्वीरें अब भी यहां लगी हुई हैं। नवाब शाहपुर अहमद खान पहले तो किसी को दोस्त नहीं कहता, हां जब दोस्त बनाता है तो दोस्ती निभाना भी जानता है। ये सुल्तान शाह हमारे पास ऐसी एक अमानत है, तुम्हें इस अमानत का ख्याल रखना होगा ना चाहते हुए भी। अनुवशत मैं ऐसा ना कर सकूं। हर बाबा क्या बात है? अपने भाई को समझाओ। फैजू लाला आपको क्या हो गया? मैं जानता हूं इसे क्या हो गया है। ये रोशन आरा की रिहाई के दिन गिन रहा है। मगर एक बात याद रखो फैजू, तुम्हारी कातिल बीवी इस हवेली में कदम नहीं रखेगी, कभी नहीं। Shoulders, tender, tender menthol. Khushki ko. अरे पड़ी रहने दो गर्द मेरे माजी पर, या फाड़ दो इन कागजी एजाजात को। नहीं चाहिए मुझे, क्या दिया है इस फन ने मुझे। Thank you.
मेरी भूख में वो ताकत बाकी नहीं रही कि मैं बाजा बजा सकूं। बाबा, तुम्हारे सीने में हीरोइन का धुआं भर चुका है, अब तो उसमें मेरी भी जगह बाकी नहीं है। नहीं याची, तुम नहीं समझती इस दौर के फन के तकाजों को। मैं खुद एक फनकार था। अब नहीं रहा कुछ भी। पता है क्यों? इसलिए बाबा कि तुम्हारा फन तुम्हारे नशे की भेंट चढ़ चुका है। नहीं आशी, नहीं, ये बात नहीं है। मैं इस दौर के फन के तकाजों पे पूरा नहीं उतरता। मुझे कल्चर की पुरानी निशानी समझकर दीवारों पर तो सजाया जा सकता है, लेकिन मेरा सांस नई आवाज का साथ नहीं दे सकता। मौसीकी बदल गई, मौसीकार वो नहीं रहे। बाबा, अगर तुम नशा छोड़ दोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा, इस नशे ने तुम्हारी इज्जत को खाक में मिला दिया। बाबा जान प्लीज नशा छोड़ दो ना बाबा, प्लीज। इसके लिए मेरी शर्त है। बाबा, मुझे तुम्हारी हर शर्त। बाबा भी हाँ, तुम्हें जलाल साहब की बात माननी होगी। बाबा, मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांग रहे हो, लेकिन मेरे लिए कुर्बानी कौन देगा? मैं शोहरत दे रहा हूँ तुझे बेटी। शोहरत के पैसे अपनी आशी दे रहे हो, अपनी लाडली बेटी? बाबा, तुझे मेरे बाद तन्हाई का एहसास भी नहीं होगा। मैं माशरे को दिखाना चाहता हूँ कि एक शिक्ष खुर्दा फनकार के घर में एक नई फनकारा पैदा हुई है बेटी। फनकारा? जिस फन ने तुझे कुछ नहीं दिया बाबा, वो मुझे क्या देगा? हाँ, तुम्हारी तरह कल यहाँ पे ना, यहाँ मेरे नाम के भी एजाजात होंगे, अवार्ड्स होंगे। लेकिन फिर बाबा तेरी तरह आशी भी फन से नफरत करेगी। बाबा नहीं बेटा, नहीं, तू ना समझ है, मेरी कीमत कम दे। मैं तुम्हारी शोहरत की नई कीमत वसूली करना चाहता हूँ। मेरा कोई समझ में आया कि नहीं? बहुत कुछ समझ चुकी हूँ सर। 2 मिनट आइटम की 2 घंटे रिकॉर्डिंग, ओफ, मैं तो थक गई। जबरदस्त, इस 2 मिनट को एडिटिंग के बाद जब तुम देखेंगी ना, हैरान रह जाओगी। रिजल्ट तो मैंने प्रेस में देख लिया सर। आने जाने से पहले इतनी शोहरत, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। ये तो मैं जानता हूँ कि पत्थर से हीरा कैसे बनता है। हमारे फील्ड में बहुत गुंजाइश है। अभी भी एक नई लड़की ने अप्रोच किया है मुझे। कौन है वो लड़की? डाल लिए मैंने। तो परेशान हो गई हो? नहीं, परेशान तो नहीं।
अलबत्ता इस बात का एहसास जरूर हुआ कि शायद मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तुम तो वाकई संजीदा हो गई। मेरा तुमने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो सब तुम परफॉर्म करोगी। रही नई दरियाफ्त की बात तो जो भी आएगी तुमसे जूनियर होगी। मुझे अपने टैलेंट को एतमाद है सर। फिर जेलस क्यों हो रही हो? प्रोफेशनल जेलसी तो हर फील्ड में होती है। हाँ वाकई। ओह देर हो रही है, जल्दी से चाय पियो, लोकेशन भी चेंज करनी। ठीक बच्चा जी। बच्चा जी सुल्तान शाह गया है। सुल्तान शाह तुम कहां गायब हुए थे? मुझे कुछ हो रहा है बच्चा जी, जैसे मेरे पांव के नीचे से जमीन सचरक रही हो और मैं जिंदगी के अंदर धंसता जा रहा हूं। ये मुझे क्या हुआ है बच्चा जी? अल्लाह अल्लाह। सुल्तान शाह जी, बादशाह जी तुम्हें क्या हो गया? पता नहीं बादशाह जी, दिल हर वक्त डूबता जा रहा है। दिल के अंदर भी एक दुनिया बाद है सुल्तान शाह, जिसका बादशाह वो है अल्लाह। अल्लाह शाहसाहब, शाहसाहब बाहर कोई मेहमान आया है, बल्कि आई है। आज तक यहाँ कोई लड़की आई तो नहीं। हाँ मैं खुद भी हैरान हूँ। मेरे तो सबर कर बे सबरे, मैं बुलाता हूँ। आए नाना जान, आप यहाँ बैठिए, मैं उसे अंदर लेके आता हूँ। मुझ पर कोई एतराज है? नाना जान वो क्या कहेगी, मेरी तरह बूढ़े घरों में नौकर ही लगते हैं। नाना जान ज्यादा तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं अपना तारुफ करवा चुका हूँ कि मैं शाहसवार का नाना हूँ। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है ना। तुम मैं भी हैरान हो गया था कि हमारे घर लड़की कहाँ से आई। क्यों, यहाँ कोई लड़की नहीं आ सकती क्या? आई जो है नाना जान, ये कायनात है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। कायनात ये मेरे नाना जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटी क्या लाऊं तुम्हारे लिए? जी मेरा मतलब है कोई ऐसी बात नहीं, मैं इस घर का मालिक भी हूँ और बावर्ची भी। ओ, तो आपकी मर्जी बाबत है, साफ चाहे। अच्छा है। तो कहना तुम बैठो ना, बैठो प्लीज। शाहसवार तुम्हारे नाना बहुत खुशमिजाज आदमी है। नाना मेरे सब कुछ हैं, माँ बाप और सबसे बढ़कर मेरे बूढ़े दोस्त। खैर तुम ये बताओ कि कैसे आना हुआ? मेरी भी एक नाना है और उनका कुछ काम है। ओ नवाब साहब का काम है फिर? तंस यानी तंस की जरा सी अभी मौजूद है तुम्हें? अरे नहीं मैं तंस नहीं कर रहा, मैं अदाब खातिर कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ काम क्या? ये एक बुत मिला है और इसके मुतालिक कुछ मालूम चाहिए। अरे बुत के मुतालिक भी मालूम मिल जाएंगी लेकिन चाय के वक्फे के बाद।
शाहपुर अहमद खान इतना कमजोर नहीं कि हार मान जाए। हाँ बाबा, मैं शनाज को कैसे रोकूं, किस तरह मना करूं उसे? वो लंदन में बैठकर जो ख्वाब देख रहा है उसे उसकी ताबीर बताओ, तुम उसे बताओ फैजू कि लंदन के और यहां के ख्वाबों की ताबीर में जमीन आसमान का फर्क होता है। शनाज को मैं खुद खत लिखूंगी खान बाबा। तुम दोनों उसके खत का जवाब लिखकर मुझे दिखाना और खत लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना कि तुम दोनों नवाब शाहपुर अहमद खान के बच्चे हो। जी खान बाबा। बंद किया जी बाचा जी। तुमने क्या देखा? कुछ भी नहीं बाचा जी। काशी, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं, मैं टैलेंट की कदर करता हूं। मुझ में टैलेंट है ही नहीं जलाल साहब। ओहो, ये हमारा काम है। ये देखो इसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। देखो, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। देखो जमान उस्ताद, फिर वही बात, तुम देखो इसे। देखो सर, कुछ भी नहीं थी ये लड़की, सुपरस्टार बना दिया मैंने इसे। माशाल्लाह, देखो देखो, कामयाबी चलकर खुद हमारे घर आई है, अल्लाह का शुक्र करो। देखो ये लड़की तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। देखो पापा, पापा तुम क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो? देखो बाबा, अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो मैं कहीं नौकरी कर लूंगी। जबरदस्त, अच्छी लड़की हो, एक दफा हमारे इस फील्ड में आ जाओ, फिर लोग तुम्हारे पास नौकरियां मांगने आएंगे। जलाल साहब प्लीज प्लीज इस बहस को यहीं खत्म करें, से रहने दें। मुझे नहीं चाहिए आपकी दौलत और शोहरत। मैं समझा दूंगा जी। हाँ, मान जाइए। देखो जमान उस्ताद, मुझे तुम जैसे फनकार की खातिर यहां आना पड़ता है। तुमने बहुत खिदमत की है मौसीकी की, मैं चाहता हूं कि थोड़ी तुम्हारी भी खिदमत हो जाए। आशी, अच्छी ऑफर को ठुकराना मत। अगर बूढ़े फनकार बाद की थकन खत्म करना चाहती हो तो कर सकते हो। हल्की हल्की भूख में सुल्तान शाह अभी तक नहीं आया, काफी देर हो गई है, अभी आने वाला होगा। मैं चलता हूं, उसे मेरी तरफ से कह देना कि नवाब साहब ने याद फरमाया है। खैर तो है,
आजकल नवाब साहब की तरफ से बड़े गरम गरम हुक्म आ रहे हैं। एक बंदे का पता करना है पर हुक्म वक्त मिलता ही नहीं। लो आ गया। मैं तो जाने वाला था, काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। खैरियत हुआ? नवाब साहब ने पीर मोहम्मद के मुतालिक पूछा है, उसका कुछ पता चला कि नहीं? नवाब साहब से कहना कि पता चल जाएगा, और अगर मौका मिला तो नवाब साहब से मिलने के लिए मैं खुद आऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। खैर शहजादे, कोई खास बात है क्या? ओ, तुम तो वाकई परेशान हो, बाहर किसी से लड़ाई तो नहीं हुई? ये लोग मुनाफिक हैं दीदार, नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। तुम तो कहते हो कि मुझमें मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, ऐसे लोगों से मैं मोहब्बत करूं? आखिर बात क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। अभी अभी अशी के घर से मैंने उस शख्स को मिलते देखा है, पता नहीं कितनी देर वो वहां पे बैठा होगा। तो तुम्हें क्या है, पराया घर है, और तुम किस किस के घर से ऐसे लोगों को निकालोगे? वो पराया घर नहीं है दीदार। अब मैं सोच लिया, वो अपना घर है। शाहसवार बेटा, होश में आओ। शाहसवार, क्या हुआ बेटा, होश में आओ। बाबा, तुमने क्या फिर डरावना ख्वाब देख लिया? मेरी माँ की शक्ल वहां से क्यों नहीं है? कहाँ है मेरी माँ की तस्वीर? मुझे दिखाएं मेरी माँ की तस्वीर, मुझे दिखाएं। तुम्हारी माँ की तस्वीर नहीं है, अगर होती तो मैं तुम्हें जरूर दिखाता। शाहसवार बेटा, तुम्हारी इन बातों से मेरे पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। मुझे मत कुरे दो, मुझे मत टटोलो, छोड़ दो इस किस्से को। आखिर ऐसा कौन सा जख्म है जो मुझसे छुपा हुआ है, क्यों नहीं बताते आप मुझे? माँ, माँ, मा, मर मा, चुकी है तुम्हारी माँ, मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी जात के बगैर किसी को रोशनदार से मिलने की इजाजत नहीं है। तुम समझ गए मेरी बात? जी सर, लेकिन वो बंदा कह रहा था कि मैं रोशनारा का पुराना नौकर हूं। सर, झूठ बोलता है वो, मुझे पता है कि रोशनारा कौन है और किस जुर्म की सजा भुगत रही है। तुम अब जाओ, और आइंदा जो भी इसकी मुलाकात को आए पहले मुझसे जरूर मिलवाओ। जी सर। जाओ तुम। और शाहसवार, तुम्हारे थीसिस कैसे जा रहे हैं भाई? अभी वक्त है, अभी आप ये हवलदार से किसी कैदी के बारे में बात कर रहे थे, कौन है वो? हाँ, ये छोड़ो इसे, ये बहुत पुराना केस है। नहीं नहीं सर, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। देखो, तुम्हें उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो तकरीबन एबनॉर्मल हो चुकी है, कई कैदी औरतों पर हमले भी कर चुकी है, और इसीलिए हमने उसे कलहदा बैरक में रखा हुआ है। लेकिन सर प्लीज, प्लीज सर, मेरे थीसिस इस केस के बगैर नामुकम्मल है सर, प्लीज। अच्छा तुम बैठो तो सही, बैठो। जी सर। लेडी कांस्टेबल को बुलाओ। ठीक है सर। शाहसवार, मैं तुम्हें उसके पास जाने की इजाजत देता हूं। जी सर।
तुम शाहसवार को रोशनारा के बैरक में ले जाओ और शाहसवार तुम वापसी पे मुझसे जरूर मिल लेना। ठीक है? जी जरूर। थैंक यू। रोशनारा आपकी मुलाकात है।